हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस बार राज्य सरकार ने 50 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें 10 अप्रैल से प्रदेश के करीब एक दर्जन केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और अब केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हिमाचल में मौसम की बेरुखी की मार अब खेती और बागवानी पर भी पड़ने लगी है। ऐसे में जिला कृषि अधिकारी सीमा कंसल ने बताया कि देश दुनिया में टमाटर के लिए मशहूर सोलन जिले में अभी तक सिर्फ 10% क्षेत्र में टमाटर और 20% में शिमला मिर्च की रुपाई हो सकी है। दरअसल बिना बारिश और सिंचाई के किसान सूखे खेतों में रुपाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 65% क्षेत्रों के किसान बारिश के इंतजार में हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में मुख्य पशुपालन अधिकारी ने पशुपालन कार्यकाल में आयोजित एक समारोह में ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्य कृत्रिम गर्भधान तकनीशियनों के बीच AI कीट और अन्य संबंधित उपकरण वितरित करते हुए कहा कि तकनीशियनों को गो जातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है और अब प्राथमिक भूमिका यानी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा, पशुधन टीकाकरण, राष्ट्रीय डेटा प्रविशिष्ट, दूध रिकॉर्डिंग, चारा बीज का वितरण, पशु बीमा सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर स्थित तिलवाड़ा में श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस मेले में किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कराई गई बीमा पॉलिसियां किसानों को सौंपी जाएगी। तो वहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मेले में किसानों के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले एग्रोटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते कृषि एवं किसान मंत्रालय ने कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत एग्रोटेक स्टार्टअप सहित कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कुल 799 स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने दावा कर कहा कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों की आय में 200 रुपए प्रति एकड़ की औसत वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर US अवस्थी का कहना है कि जल्द ही नैनो DAP और अन्य नैनो उत्पाद भी आने वाले हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया लिमिटेड ने न केवल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम की है बल्कि खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख के कई स्थानों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों की, तो वहाँ हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।